नमस्कार जय माता जी, मैं हूँ गीता मेलबारी। मैं आ रही हूँ 13 नवंबर को मंसूर में नगर पालिका द्वारा आयोजित भगवान पशुपतिनाथ जी का भव्य मेला में। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, पधारिए 13 नवंबर को। जय माता जी। मंसूर की पावन नगरी में भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें मेले में 13 नवंबर 2022 को गुजरात की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गायिका गीता रेबारी का भव्य आयोजन 13 नवंबर रात्रि 7:30 बजे रविवार को होगा। स्थान पशुपतिनाथ गेस्ट हाउस के पास, मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम परिसर चंद्रपुरा मंदसौर। स्थान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर मंदसौर। निवेदक अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंसीलाल जी गुर्जर, उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश जी चावला, मेला सभापति श्रीमती पिंकी विनय दुबेला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सभी समितियों के सभापति गण, समस्त पार्षद गण, मेला अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी गण, कर्मचारी गण, नगर पालिका परिषद मंदसौर। मंदसौर के कोर्ट परिसर में वकीलों ने दिया धरना। वकील के टीन शेड को हटाने के विरोध में जिला न्यायाधीश के खिलाफ। मंदसौर के कोर्ट परिसर में 2 दिन पहले जिला न्यायाधीश द्वारा वकील पंकज कुमार वेद का टीन शेड जो लगाया गया था वह हटवा दिया था। उसके बाद वकीलों में आक्रोश बढ़ गया और कल भी पूरा दिन अपना कार्य नहीं किया गया और पक्षकार काफी परेशान होते हुए नजर आए हैं। और आज भी यही हाल नजर आया है। जिला न्यायाधीश द्वारा जूनियर वकीलों को कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा यहाँ पर किसी को भी टीन शेड नहीं लगवाने दिया जाएगा, जिसको भी प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस घर से करें, इस तरह की बातें कही गई है। इसके बाद अभिभाषक संघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि जब तक कार्य नहीं किया जाएगा तब तक समस्या का निकाल नहीं होगा। मुकेश रत्नावत वकील द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए 11:58 पर शनिवार को बताया कि हिंदुस्तान आज भी गुलामी जैसा महसूस कर रहे हैं और जब अंग्रेजों का शासन था तब गोली मारी जाती थी और अब इस तरह हिटलर शाही की जा रही है। जिला न्यायाधीश एसी वाले रूम में बैठते हैं और उनकी गाड़ी भी धूप से बचाने के लिए टीन शेड में रखी जाती है और इस तरह के वकीलों के टीन शेड को तोड़ने की कार्रवाई की जाती है जो कि गलत है। और अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई और कहा गया कि आज लोक अदालत लगी है उसका भी पूरा बहिष्कार किया गया है। जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा एक अभिभाषक जो है टेबल लगा कर या सेवा करने आता है टेबल लगा करके सेवा भावना से टेबल लगाई थी। अभिभाषक के जो है टेबल जिला न्यायाधीश महोदय ने तानाशाहपूर्ण तरीके से हटवा दी है अवैध तरीके से और जो है आज हिंदुस्तान फिर से गुलामी जैसा महसूस कर रहा है। जब अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों की बग्घी और गोली भी जो है छाया में बांधी जाती थी और आम जनता जय जयकार करती थी धूप में। इसी प्रकार जो है आज न्यायाधीश महोदय जो है एसी वाले चैम्बर में बैठते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी पार्किंग में खड़ी रखी जाती है और जो अभिभाषक एक टेबल पे और सेवा करने के लिए बैठना है उसके लिए बता रहे अतिक्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनने भी जो है फूट डालो शासन करो शासन किया और ये अभी फिर तानाशाह करना चाह रहे हैं, जो है बहुत ही अवैध और अनुचित कार्य हो रहा है। एक आज हिंदुस्तान में न तो व्यापार है न रोजगार है और जो है इस स्थिति में वकील अभिभाषक बन करके और सेवा करना चाहता है उसको सेवा के लिए टेबल भी दे रहे हैं। न्यायाधीश महोदय का कहना है कि यदि यहाँ पे नया कोई भी जूनियर अभिभाषक आया उसको टेबल पूरे न्यायालय परिसर में कहीं नहीं लगा दूंगा, वो अपने घर से प्रैक्टिस करें तो उसको अभिभाषक नहीं बनने देंगे। तो क्या नक्सली बनना चाहता है, क्या नक्सली बनाओगे क्या आप उसको? आपका जो है ये सोच क्या किस दिशा में ले जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान जो है अपन सब जो है न्याय की उम्मीद रखते हैं, न्यायाधीश से बड़ा विचार रखते हैं उनसे कि अच्छा करेंगे, पर अगर वही इस प्रकार हर धर्मी से रखते हैं तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। और अभिभाषकों ने जो है पहले आज़ादी के समय भी अभिभाषकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी फिर इसी बात को लेकर के अभिभाषक जो है मैदान में उतरे हैं कि ये जो है सम्मान की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है और जो है सभी जूनियर अभिभाषकों को न्याय दिलाने की बात पे लेकर अभिभाषक हड़ताल पे उतरे हैं। हाँ, लोक अदालत का पूर्णतः बहिष्कार किया है, कोई भी लोक अदालत का जो है समर्थन में नहीं है। मुकेश रत्नावत एडवोकेट। कोर्ट परिसर में कुछ आपसी विवाद है उस वजह से कुछ धरना वकीलों के द्वारा आज आयोजित किया गया।